नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना अपोगे की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपके लिए बना रहे हैं वीडियो और कंटेंट ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो आरएस मेंस में। आज थोड़ा कुछ और मैंने इनोवेशन किया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल हमने बना लिया है और टेलीग्राम चैनल पे हम जो हमारे नोट्स हैं वो भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपोगे एडुटेनर के नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है, अपोगे एडुटेनर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है आरएस ओनली। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जब नीचे आप टॉप कमेंट्स देखेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कहीं ना कहीं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये जो नोट्स हमारे हैं वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते होंगे कंसाइज और प्रिसाइज वे में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको पता होगा कि कल मैंने मूल अधिकारों की बात की थी। मूल अधिकारों में बताया था मैंने अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13, और बताया था कि मूल अधिकार बेसिकली के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, वो सब कुछ मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 12 की, तो उसमें राज्य के बारे में बताया था कि राज्य है कौन एग्जैक्टली, जो हम लगातार पूरी की पूरी कहानी में पूरे पूरे चैप्टर में राज्य 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 की बात है। तो राज्य वो नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं, राजस्थान राज्य की बात नहीं हो रही है, ये संघ राज्य क्षेत्र और किसी पीएसयू की बात है दोस्तों। ठीक है, इनफैक्ट जहाँ पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वो भी राज्य की तरह ट्रीट होगा। और ये जो पार्ट मैं अभी लेने वाला हूँ ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18। ये पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, समता का अधिकार, उसके बारे में मैं डिस्कशन आपसे इस समय कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी समता के अधिकार से। अनुच्छेद नंबर 14, यह है विधि का शासन। देखो, विधि के शासन में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें दो बातें हैं। ठीक है, एक है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, ये पहली अगर बात की जाए तो विधि के समक्ष क्षमता, मतलब कि विधि जो है वो सर्वोपरि है और सभी व्यक्ति जो भी राज्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं, चाहे राज्य हो या राज्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उन सभी को विधि के समक्ष समानता रहेगी। मतलब विधि कोई कानून और किसी के छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो विधि के समक्ष क्या है, सभी के सब समान है, कानून रिमेन सेम फॉर ऑल। भारत में किसी भी भारत में विधि का शासन है और अर्थात विधि ही सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है और तो कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। यही है विधि के समक्ष समता। ये अपने आप में विधि की नकारात्मक व्याख्या है दोस्तों, और ये जो नकारात्मक व्याख्या कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, दूसरी बात, विधि के समक्ष समान संरक्षण, मतलब ये विधि जो है सभी को समान रूप से संरक्षित करती है। कोई भी कानून किसी एक व्यक्ति के लिए अलग नहीं होगा, समान कानून लागू होगा सभी लोगों के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा, मतलब समान परिस्थितियां हैं तो कानून भी क्या होगा, सबके लिए समान होगा। ये विधि की सकारात्मक व्याख्या है और उसे कहने के कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे चलते हैं। ये था अनुच्छेद नंबर 12 विधि का शासन। ठीक है, अनुच्छेद 15 यह है समता के अधिकार का पहला पार्ट, जहां से कहेंगे समानता का अधिकार बेसिक शुरू हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, राज्य भेदभाव से रिलेटेड समूह कॉन्सेप्ट है। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य में किस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। निजी संस्थान, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ियां, मंदिर आदि में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर। तो अभी जो अभी केरल में वो सब्जी वाला माला वाला केस चल रहा है, वो कहने में इसी संबंधित दोस्तों, वहां पे 15-2 में बदलाव किए गए, उसके बाद ही कहने कहीं महिलाओं को एंट्री दी गई है जहाँ पे मंदिरों के अंदर। शनि शिकनापुर में भी यही कुछ सीन है। तो ये कहने में 15-2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी निजी संस्था में जा सकते हैं और आपको किसी तरह का रोक टोक नहीं होगा। राज्य बच्चों में महिलाओं के लिए कल्याण के लिए योजना बना सकता है। ये अगेन राज्य जो भी है बच्चों और कल्याण के लिए योजना बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, स्टैंडअप इंडिया। आपने स्टार्टअप इंडिया सुना होगा, पर स्टैंडअप इंडिया क्या है कि कहीं ना कहीं ये वो है
जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों के लिए स्टार्टअप फंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसी जितनी भी जैसे जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब के सब आप जब देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉजिक इनका ये आएगा कि राज्य जो है बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए योजना बना सकता है। तो ये 15-3 है दोस्तों, तो यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई 15-3 क्या कहता है, कि 15-3 कहता है कि राज्य जो है बच्चों व महिलाओं के लिए लगातार क्या कर सकता है, कल्याण की योजना बना सकता है। अभी इसको इकोनॉमिक से अगर लिंक करोगे तो मैं इसको लिंक भी करूंगा 15-3 को, कि कौन कौन सी योजना 15-3 के तहत चल रही है, जो मैं इकोनॉमिक्स की आपको बात करूंगा। 15-4 की बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगेन SC ST के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी योजना बनाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो अभी स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इसी के तहत चल रहा है दोस्तों। ठीक है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। तो शिक्षा संस्थाओं में भी अगर सामाजिक और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक लोग रखते हैं तो उनको आरक्षण की बात की गई है निजी संस्थाओं के अंदर भी। ठीक है, एक बात समझना दोस्तों, सरकारी हो या निजी, वहां पे आरक्षण हमेशा रहेगा सामाजिक व शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। पर अगर अल्पसंख्यकों का ही, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी शिक्षण संस्थान है या सरकारी संस्थान है तो वहां पे आरक्षण अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आरक्षण का अप्लाई होता है सरकारी एवं निजी में, आरक्षण अप्लाई है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बने शिक्षण संस्थाओं में, किसी तरह का आरक्षण अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो बात है वो है समता का अधिकार के अंतर्गत, यानी राज्य धर्म स्थान के आधार पर कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये जो 15 है ये भेदभाव के प्रतिरोध के बारे में बता रहा है और जन कल्याण के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा है। भेदभाव का प्रतिरोध हो रहा है और जन कल्याण की बात हो रही है। अगर इस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझे तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है 15, ये भेदभाव रहित समाज की बात कर रहा है। ठीक है, कि ऐसा समाज जहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको क्या होगी, समानता का अधिकार होगा, मतलब समानता की बात होगी। चलिए आगे चलते हैं 16 में। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, मतलब जो अगर जो भी लोक नियोजन मतलब था जो वैकेंसीज होंगी उसमें भी समान अवसर की हम कहने के प्रावधान करेगा राज्य। अभी क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता पर बल देता है। किसकी बल देता है, अवसर की समानता पर बल देता है। अब देखिए यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है दोस्तों। पहला 16(1) कहता है लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, मतलब सभी व्यक्तियों जो है वो राज्य के अनुसार वो सब समान है। लोक नियोजन में धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों बातें क्या हो रही है दोस्तों, समानता के अवसर की बात कर रही है। पर 16(3) क्या कहता है, निवास की बाध्यता। तो कुछ जॉब ऐसे हैं जहां पर निवास की बाध्यता दी जा सकती है। तो आप देखो कई जॉब ऐसे आते हैं किसी विशेष राज्य में, जहां पर राज्य विशेष में उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को लिए ही वो जॉब होती है। कारण क्या होता है कि वहां पे अगर मुझे सो कॉल्ड बहुत लोअर मैनेजमेंट जॉब करना है, लोअर मैनेजमेंट मुझे क्लर्क रिलेटेड काम करना है, और आपको उनके मूल निवासियों से कहीं के रूबरू होना है, तो कोई बाहर का व्यक्ति उनसे रूबरू इस आसन से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ 16(3) कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निवास की बाध्यता। कुछ स्थानों में नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है राज्य सरकार। लोक कल्याण के हित में ध्यान रखते हुए कुछ स्थानों पर नौकरी की बाध्यता को वो रख सकते हैं। तीसरा 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण, ये बात भी कहेंगे किसमें की गई है, 16(4) में। तो ये आरक्षण की बात कहां होगी, सबसे पहले 16(4) में। तो अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं तो जो आरक्षण वर्ग है वो कहेंगे 16 से आया है, 16(4) से आया है। अभी जो माथापोड़ी चल रही है, जो आप लगातार देख रहे हो कि पदोन्नति में आरक्षण, जो भारत बंद भी हुआ, ठीक है, और काफी ज्यादा नुकसान हुआ भारतीय समाज को, मैं इस विषय पे क्योंकि ज्वलनशील मुद्दा है
मैं कोई बोलना नहीं चाहता इसमें। तो वहां पे जो प्रॉब्लम आया है वो ये 16-4 ये पदोन्नति में आरक्षण। देखिए हमने पढ़ाने में आरक्षण दे दिया, हमने नौकरी में आरक्षण दे दिया, और हम अब तीसरे स्तर यानी पदोन्नति में भी आरक्षण की बात यहां कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी समस्या है। हर जगह आरक्षण रूपी जो दंश है भारत को कहेंगे डसता जा रहा है, और इसमें कुछ हमें कुछ रियल इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता होगी, जो मैं समय आने पे अपने विचार व्यक्त करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पदोन्नति में आरक्षण की विवाद इसमें है, सुप्रीम कोर्ट में है। बैकलॉग भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण, ये 4B है। अगर बैकलॉग भरना है, और वैसे नियम ये कैसा, इंदिरा साहनी केस 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदिरा साहनी केस ने 1992 में होता है, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देती है कि 50% से आरक्षण किसी भी जगह नहीं हो सकता। और इसी समय उच्चतम न्यायालय ओबीसी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट की अवधारणा जनरेट करती है। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में हैं, ठीक है, ओबीसी क्रीमी, अगर आपकी आय वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, इससे मैं 6 लाख इसका क्राइटेरिया कर दिया गया, शायद 6 लाख या 8 लाख रुपए, मैं एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स बता दूंगा, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता ओबीसी के तहत। तो इंदिरा साहनी केस में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होता, ये बात की गई। यही कारण है कि कहीं गुर्जर जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम है, मतलब गुर्जर आंदोलन जो चला था, गुर्जरों को जो बात की जा रही है आरक्षण संबंधित, वो 50% से ज्यादा हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं लगातार ये 10-12 साल से मामला अटका हुआ है, राजनीतिक मामला आप देख सकते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। पदोन्नति आरक्षण बैकलॉग भरने के लिए, अगर बैकलॉग भर रहे हैं, बैकलॉग वैकेंसीज हैं, तो वहां पे 50% अधिक आरक्षण हो सकता है, क्योंकि नियम तो कहता है 50% अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, पर बैकलॉग भरने के लिए 50% ज्यादा आरक्षण हो सकता है। 16(5) ही कहता है कि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं, मतलब कोई भी धार्मिक संस्था है तो वो धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए अपना स्थान आरक्षित कर सकती है, ऐसा कहने की बात की गई है 16(5) में। तो ये है नियम समता के अधिकार की बात, लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिले उसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का निवारण, ये एक पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ये नहीं हो सकता कि इसको टच नहीं कर सकते, ये एक पूर्ण अधिकार आपको दिया गया है। कोई भी अस्पृश्यता नियम को करेंगे जाता है तो वो गलत होता है, ठीक है, इसमें भी बात की गई दोस्तों। 16 के अंदर अस्पृश्यता निवारण के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जो क्षेत्र में इसके लिए नियम बनाया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ठीक है। और यही जो 1976 है, इसका नाम बदल दिया गया था, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, नागरिक अधिकारों की रक्षा 1955। ये बात है किसकी, अस्पृश्यता निवारण के बारे में बात हो रही है। देखिए दोस्तों, हमने विधि की समान की बात की, हमने समानता के अधिकार में कहने के भेदभाव रहित समाज की बात की, हमने लोक नियोजन में सबको समान अवसर की बात की, हमने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात की, ठीक है। और ये एक बाय डिफॉल्ट एक पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, यानी कि अस्पृश्यता को कोई इसके लिए होगा इसके लिए नहीं होगा, ऐसा कोई भी अपवाद नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। बस की धारण है कि 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना है, और दूसरा अधिनियम उसको 1976 में नाम बदल देते हैं, नागरिक सुरक्षा नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1976 कर दिया जाता है, 1955 कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उपाधियों में का निराशा और अंत। ये कहता है कि आप अगर भारत सरकार के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई उपाधि आप नहीं ले सकते। उपाधि मतलब कि आपको कोई भी सो कॉल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, उपाधि आप बाहर के देश नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इससे असमानता जनरेट होती है समाज में, ठीक है, कि कोई व्यक्ति ने अपनी उपाधि लगा रखी है, दूसरे व्यक्ति ने उपाधि नहीं लगा रखी है, तो कहेंगे ये क्या होता है, इससे असमानता का माहौल आता है। तो हम क्या कहते हैं, समता का अधिकार। तो ये समता का अधिकार यही है, उपाधियों का निराशा और अंत। राज्य सेना में शिक्षा के अलावा आप किसी तरह की उपाधि राज्य नहीं देगा किसी को भी। भारतीय नागरिकों किसी अन्य देश की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकती। अगर भारतीय नागरिक और अन्य देश की उपाधि आप लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं दी जा सकती। अगर लेनी भी है तो कहेंगे राष्ट्रपति की अनुमति आपको चाहिए होगी।
विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश की उपाधि नहीं ले सकते। विदेशी नागरिक को भी प्रावधान किया गया। सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक, देखो यहाँ कॉमन भारतीय नागरिक है, यहाँ पे सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश से सम्मान प्राप्त करता तो अगेन उसे राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी। यहाँ पे बता दूं दोस्तों, एक अनुच्छेद 18 में चार अवार्ड जो है जो कि इससे अलग रखे गए हैं और इसको शामिल नहीं किया गया है, वो कौन कौन सा है? भारत रत्न, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री है। इनका अपन डीप डिस्कशन करेंगे जब मैं थोड़ा जीके वाला कॉन्सेप्ट लूंगा। तो इसको अनुच्छेद 18 से अलग रखा गया है, यानी ये नागरिक सम्मान को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो लगातार दोस्तों बने रहे अपोगे की इस ऑनलाइन क्लासेस में, मैं लगातार आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा हूँ। जल्दी ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डाल दिया है, बना दिया है, वो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके नियम कायदे हमने बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के। सेम हमने टेलीग्राम चैनल भी अपना बना लिया है, जहां पे आपको हमारे फ्री नोट्स जो भी अवेलेबल हमारे पास है वो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। मैं भूपेंद्र खन्ना, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपोगे एंटरटेनर पे। लगातार हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और आपको मजा भी हो रहा हो दोस्तों, ठीक है? तो आज के लिए इतने काफी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहे और प्यार दुलार जरूर देते रहे, और अगर वीडियो थोड़ा समझ में आए तो शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे कट टू कट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर उधर की बातें कम से कम कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।